यूक्रेन में बकमूत की जंग पर सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े फौजी अफसर ने वैगनर ग्रुप के जुल्म की ऐसी बर्बर कहानी सुनाई जो इस प्राइवेट आर्मी के मालिक को जेल पहुंचा सकती है। पुतिन उसे मौत की सजा भी दे सकते हैं। महीने की खूनी जंग के बाद वैगनर के लड़ाके बकमूत से लौटे तो अब रूस के सैनिकों पर ही टूट पड़े। पुतिन के पूर्व शेफ येवगेनी पेरोग्जिन की प्राइवेट आर्मी पर यह आरोप किसी ऐरे गहरे शख्स ने नहीं बल्कि रूस की सेना के ये कमांडर ने लगाया। रूस का वो फौजी अफसर कौन है आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि रूस के उस कमांडर ने वैगनर पर ऐसे ऐसे संगीन इल्जाम लगाए हैं जिन्हें सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। दिमाग सुन्न हो जाएगा और आप थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाएंगे। आरोपों के मुताबिक यूक्रेन में बकमूत को फतह करने में अहम रोल निभाने वाले वैगनर के लड़ाके जॉम्बी बन गए। ये प्राइवेट आर्मी खुद रूस के लिए ही भस्मासुर साबित हो रही है। वैगनर के लड़ाके जॉम्बी बन गए। ब्रिटेन के अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जॉम्बी बन चुके वैगनर लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों का बलात्कार किया, उन्हें अगवा किया, अगवा सैनिकों को छोड़ने के एवज में फिरौती वसूली, उन पर बे इंतहा जुल्म ढाए, उन्हें जबरन सेना छोड़ने पर मजबूर किया, सेना के हथियार लूट लिए। ये तमाम सनसनीखेज आरोप लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेने वितिन ने लगाए हैं जिन्हें वैगनर ने बंधक बना लिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेने वितिन कौन है इनके बारे में तफसील से आपको आगे बताएंगे। पहले जानना ये जरूरी है कि रूस के इस वफादार कमांडर ने वैगनर के बारे में कहा क्या है। वैगनर हमारे सैनिकों को अगवा कर रहा था, उन्हें गालियां दी जाती थी, अपमानित किया जाता था, जुल्म ढाया जाता था, बेसमेंट में हाड़ कपा देने वाली ठंड में नंगा रखा जाता था। आरोपों के मुताबिक वैगनर के लड़ाके ये सब कुछ तब कर रहे थे जब बकमूत की जंग चल रही थी, दोनों तरफ से लगातार बारूदी हमले हो रहे थे। सवाल उठता है कि जिस पेरोग्जिन पर पुतिन को हद से ज्यादा भरोसा था, जिस प्राइवेट आर्मी को बकमूत जीतने का जिम्मा दिया गया था, जिसके लड़ाकों ने करीब 9 महीने तक भीषण जंग लड़ी, वो पेरोग्जिन प्राइवेट आर्मी और लड़ाके रूस की सेना के ही दुश्मन क्यों बन गए। वैगनर की क्रूरता की एक और कहानी लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेने वितिन के आरोपों के मुताबिक देखिए। वैगनर ग्रुप ने मेरी आंखों पर तेजाब छिड़क दिया, ऐसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे पेट्रोल से नहला दिया, मुझे जलाकर मारने की कोशिश हुई। अगर रूस के कमांडर के ये आरोप सच्चे हैं तो सवाल ये है कि वैगनर ग्रुप और इसके मालिक पेरोग्जिन ने ऐसा क्यों किया। ये बात दुनिया जानती है कि पेरोग्जिन ने बकमूत की जंग के दौरान रूस की सेना पर कई बार गंभीर आरोप लगाए थे। पुतिन की सेना पर वैगनर ग्रुप को हथियारों और बारूदों की सप्लाई में अड़ंगे डालने का आरोप लगाया था। ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि पेरोग्जिन के आरोप सच्चे थे या फिर उन्होंने जानबूझकर किसी सोचे समझे प्लान के तहत रूस की सेना की छवि खराब करने की कोशिश की। क्या पेरोग्जिन अपनी वैगनर आर्मी को रूस की सेना से बेहतर साबित करने के लिए ये सब कर रहे थे या फिर उन आरोपों में दम है जिसके मुताबिक वैगनर चीफ की हसरत बहुत बड़ी है, उनकी मंशा रूस में पुतिन का उत्तराधिकारी बनने की है। ऐसे में मुमकिन ये भी है कि पेरोग्जिन ने जानबूझकर बकमूत की लड़ाई को लंबा खींचा, किसी बड़े एजेंडे के तहत रूस के सैनिक को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है।
लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेनेवेतन के आरोपों के मुताबिक एक सैनिक को वैगनर के लड़ाकों ने बुरी तरह से पीटा, उसके साथ बलात्कार किया, वो इस अपमान को सह नहीं सका और खुदकुशी कर ली। दावा तो यहाँ तक है कि पेरोक्सिन ने साजिश के तहत बखमूत की जंग में रूस की सेना को कमजोर किया ताकि वो अपनी प्राइवेट आर्मी को सेना से भी बेहतर साबित कर सके। वैगनर चीफ पर लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेनेवेतन का अगला आरोप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वैगनर ग्रुप रूस के अगवा सैनिकों को पुतिन की सेना से बेशुमार गोला बारूद हासिल करने के बाद ही छोड़ता था। इस दौरान रूस के जाबाज सैनिकों को गुलाम की तरह रखा जाता था। उनसे सैनिकों की लाशों को ट्रक पर लोड कराया जाता था। उन्हें रूस की सेना छोड़कर वैगनर आर्मी में शामिल होने के करार पर जबरन दस्तखत के लिए मजबूर किया जाता था। रूस के कमांडर के मुताबिक आपने अब तक जितने भी आरोप देखे अगर वो सही है तब यकीन मानिए वैगनर चीफ को इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देख रहे पुतिन के इस पूर्व शेफ को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेनेवेतन के मुताबिक बखमूत में वैगनर ग्रुप पर गोली चलाने के आरोप में मुझे अगवा कर लिया गया, मुझे एक तहखाने में रखा गया, मुझ पर इतना जुल्म ढाया गया जैसे मेरा ताल्लुक दुश्मन यूक्रेन की सेना से हो, मुझे बुरी तरह मारा पीटा गया, सोने तक नहीं दिया गया। इससे पहले रोमन वेनेवेतन का एक वीडियो वैगनर ग्रुप ने भी रिलीज किया था। इसमें रूस की सेना के इस कमांडर ने ड्यूटी के दौरान शराब पीने और नशे में वैगनर की गाड़ी पर गोलीबारी की बात को बोल की। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि लेफ्टिनेंट कर्नल रोमन वेनेवेतन रूस के कोई मामूली सैनिक नहीं है। उनका ताल्लुक 72 इंडिपेंडेंट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड से है जिसे यूक्रेन पर हमले के दौरान बनाया गया। बखमूत की खूनी जंग में वैगनर ग्रुप की भूमिका बहुत बड़ी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पेरोक्सिन और उनके लड़ाकों को खुद पुतिन ने इसका क्रेडिट भी दिया, लेकिन अब जिस तरह से वैगनर ग्रुप की अनसुनी कहानियां सामने आ रही हैं, वो इस प्राइवेट आर्मी को रूस की सेना का जानी दुश्मन साबित करने वाली है। आरोप तो ये भी है कि वैगनर ग्रुप ने बखमूत में रूस की सेना के 2 T-80 टैंक, 4 तो कमाज ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां भी चुरा ली। वैगनर ग्रुप बखमूत से लौट चुका है, ये इलाका अब रूस की सेना के हवाले है, लेकिन पेरोक्सिन के दावे के मुताबिक वैगनर के लौटते ही यूक्रेन की सेना बखमूत में हावी हो रही है। Часть населенного пункта Берховка уже утеряна. Драпают войска потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию. Чтобы вперед шли. Давайте, вы сможете. А если не сможете, умрете героями. वैगनर चीफ की माने तो यूक्रेन ने बखमूत के करीब बर्फेका पर दोबारा कब्जा कर लिया है, लेकिन रूस की सेना के मुताबिक यहाँ की हकीकत क्या है उसे भी देखिए। इस वीडियो के जरिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत के उत्तर पश्चिम में मौजूद बर्फेका पर धमक के साथ डटे होने का दावा किया है। इस वीडियो के मुताबिक बर्फेका में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी को रूस की सेना ने उड़ाकर अपनी ताकत की नुमाइश की। Что его отдали, это просто является врагами народа, государства нашего. Все приказы верховного командующего и командования вооруженных сил мы выполним с честью. У них тактика такая, что и малые группы идут, и потом и при поддержке бронетехники идут, выполняют. Сосредоточенная группировка у них тут, ну... वैगनर चीफ ने जिस तरह से रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख पर ऊल जलूल बातें की हैं, उन्हें सरेआम गालियां दी हैं। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि वो पुतिन का भरोसा खो चुके हैं, लेकिन पेरोक्सिन है कि खुद को सुर्खियों में रहने के लिए अब नए किस्म के दावे कर रहे हैं। येवगेनी पेरोक्सिन के मुताबिक बेलगरद में रूस के विद्रोहियों को खत्म करने के लिए क्रेमलिन परमाणु बम फोड़ सकता है। पेरोक्सिन ने कहा है, क्या रूस अपने ही इलाके पर एक सामरिक परमाणु हमला गिराने का नीच विचार रख सकता है? क्या यही वजह है कि हम बेलगरद में पीछे हट रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि किसी और के इलाके में बम फोड़ना भयावह है, लेकिन हम एक बम खुद पर भी फोड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है अगर परमाणु बम ठीक से काम करेगा। पिछले महीने रूस के बेलगरद में यूक्रेन की तरफ से घुसपैठ हुई। दावे के मुताबिक यूक्रेन